देश भर में रक्षाबंधन पर्व को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। एक ओर जहां बाजारों में जमकर खरीदारी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए बहनें तरह तरह की राखियां खरीद रही हैं। शहर के बाजार में रक्षाबंधन पर्व से पहले शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से खरीदी करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। बाजार में भीड़ बढ़ते ही व्यवस्था बेपटरी हो गई है। एक तो भीड़ और दूसरा सड़क पर जगह जगह वाहन तो कई स्थान पर अतिक्रमण होने के कारण जाम के जैसे हालात बने हुए हैं, जिसके चलते इन दिनों नगर के प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति बनने से आवाजाही करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। राखी का त्यौहार बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे और मैं भी अपने मम्मी पापा के साथ राखी लेने आई हूँ और मैं अपने भाई को राखी भी बांधती हूँ। बहुत अच्छी तरह से राखी बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। इसी में क्या है, बहुत बढ़िया बढ़िया राखी आई है और रौनक बहुत अच्छी है। इस टाइम थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ा हल्का हो गया काम और वैसे तो बहुत अच्छा काम हो रहा है और राखी भी अच्छी बिक रही है और ए भी राखी में आई है, स्वास्थ्य राखी में है और एविलाई में है और कड़े में भी है और अच्छी अच्छी राखी है। हम दो तो बहुत बढ़िया बहन भाई का त्योहार है ये और इस समय मार्केट में काफी भीड़ है और अच्छा त्योहार चल रहा है। राखी का अच्छा भीड़ है और बहन भाइयों का बढ़िया राखी बंधन चल रहा है यहाँ मार्केट में। बढ़िया है और बच्चों के खिलौने बहुत हैं और बढ़िया फैंसी है, डायमंड घड़ी राखियाँ अच्छी अच्छी है हमारे शोरूम में और बढ़िया बढ़िया माल है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे भाई का भाई के लिए मैं अपनी राखी लेने आई हूँ। कल हम लोग अपने भाई के त्योहार बनाएंगे और हम लोग राखी बांधेंगे और बहुत मजे करेंगे। तब हम लोग उसके लिए राखी लेने आएंगे। हम लोग बहुत मजे करते हैं, अपने भाइयों को राखी बांधते हैं और उनके साथ एक बंधन निभाते हैं ये राखी बांध के। ये फेस्टिवल बहुत अच्छा होता है, दो भाई बहनों के प्रति का मतलब त्योहार होता है, बताता है हमें कि अपने भाई के प्रति कैसा हमें सम्मान होता है और वो भाई हमारे रक्षा करता है। ये धागा ही होता है जो हमें एक उसमें जोड़े रखता है।